29 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र जो कल यानी 23 दिसंबर तक चलने वाला था उसे एक दिन पहले ही यानी 22 दिसंबर को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान भी संसद को समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला और इस सत्र में कितना हो सका काम, देखेंगे रिपोर्ट में। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई थी। विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया और सरकार ने पूरे सत्र के दौरान सिर्फ अपनी मनमानी की। विपक्ष यह आरोप सरकार पर लगाता आया है। सत्र के पहले दिन ही 12 विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद TMC सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बीते दिन सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। वहीं अगर आज की बात करें तो संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय अवधि से एक दिन पहले यानी बुधवार को ही खत्म हो गया। दोनों सदनों में बुधवार सुबह की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 23 दिसंबर तक चलना था। राज्यसभा में सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अखबार की खबर का हवाला देकर अयोध्या से संबंधित एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन नायडू ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। सभापति ने खड़गे से कहा कि मुद्दे को उठाने के लिए उन्हें नोटिस देना चाहिए था। वहीं लोकसभा में इस दौरान 18 बैठकें हुई और सदन का कार्य निष्पादन 82% रहा, जबकि 18 घंटे 48 मिनट का समय खराब हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ये सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ और इस दौरान कुल 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत में सदन के 3 सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर को शपथ ली। बिरला ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य निपटाए गए और इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। 20 दिसंबर को वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान 91 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 20 दिसंबर को 20 तारांकित प्रश्नों की सूची को कवर किया गया। शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 563 मामलों को सदस्यों ने उठाया। DBLIVE की रिपोर्ट।